क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया के वर्ल्ड कप अभियान का जबरदस्त आगाज हुआ और पहले वार्म अप मैच में भारत ने कंगारू को कुचल दिया, हरा दिया। एक बेहद ही रोमांचक मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 रन से हराया, अपना आत्मविश्वास भी आसमान पर पहुंचा दिया। इस मैच में भारत की जीत के कई हीरो रहे, वो केएल राहुल रहे, सूर्या भी रहे जिन्होंने 50 बनाई, वो हर्षल पटेल और अर्शदीप भी रहे जिन्होंने शानदार गेंदबाजी की, तो मोहम्मद शमी भी रहे जिन्होंने आखिरी ओवर में 4 विकेट लेकर गेम ही पलट दिया। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा इन सबसे अलग विराट कोहली की तारीफ कर रहे हैं। जी हां, मैच के बाद रोहित ने विराट को मैच का हीरो बताया और शानदार खेल के बाद भी गौतम गंभीर जैसे लोग जो कि विराट की आलोचना कर रहे थे उनकी बोलती बंद कर दी। तो क्या क्या कहा रोहित ने, कैसे की गंभीर की बोलती बंद, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर टूर्नामेंट के वार्म अप मैच की शानदार शुरुआत की है। उम्मीद है कि ये टेम्पो भारत का आगे भी बना रहेगा। लेकिन पहले मैच के बाद रोहित शर्मा ने यहाँ पर विराट कोहली की दिल खोलकर तारीफ कर दी। तो पहले बताते हैं आपको कि रोहित शर्मा ने ऐसा क्यों किया और फिर बताएंगे कि रोहित ने आखिर कहा क्या और गंभीर पर क्या बोले। तो इस मैच में भारत के लिए राहुल ने 57, सूर्या ने 50 रन बनाए। हालांकि भारत इस वजह से मैच नहीं जीता क्योंकि जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने भी काफी अच्छी बैटिंग की, क्योंकि बल्लेबाजी वाली पिच थी। कप्तान एरन फिंच के 76 और मिशेल मार्श के 35 रन की बदौलत कंगारू मैच जीतने वाले थे। जी हाँ, कंगारू की जीत लगभग तय थी, लेकिन विराट कोहली ने भारत की फील्डिंग के दौरान मैच ही पलट दिया। और ये एक बार नहीं बल्कि आखिरी मौके पर ये 2 बार हुआ। पहले तब हुआ जब ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 12 बॉल में सिर्फ 16 रन बनाने थे और आधी टीम मौजूद थी, लेकिन 19वें ओवर की 2री बॉल पर विराट कोहली ने ऐसा अद्भुत थ्रो मारा कि टिम डेविड रन आउट हो गए। हालांकि इससे पहले वाली बॉल पर कप्तान एरन फिंच आउट हुए थे, वो बड़ा विकेट था, लेकिन असली टर्निंग पॉइंट टिम डेविड का ही विकेट था क्योंकि रन यहां पर बेहद कम बचे हुए थे और विराट ने डेविड को ढेर कर दिया। अब ऑस्ट्रेलिया यहां पर बैकफुट में आया, लेकिन फिर भी मैच कंगारुओं का ही था क्योंकि पैट कमिंस सभी खेल रहे थे और आखिरी ओवर में सिर्फ 11 ही रन बनाने थे। लेकिन विराट कोहली ने फिर से कमाल किया और ये 20वां ओवर था जब ऑस्ट्रेलिया को 4 बॉल में जीत के लिए 7 रन बनाने थे और 3री बॉल पर पैट कमिंस ने जोरदार प्रहार किया, बॉल 6 रन के लिए यानी कि छक्का जाने वाली थी। लेकिन विराट कोहली ने हवा में ऊपर की तरफ जंप लगाई और एक हाथ से स्टनर कैच पकड़ा और कमिंस को आउट कर डाला और पूरे मैच को भारत की तरफ एक झटके में मोड़ दिया। और इन्हीं 2 टर्निंग पॉइंट ने भारत को मैच भी जिता दिया। और ये हम नहीं कर रहे बल्कि ये रोहित शर्मा ने कहा है। जी हाँ, क्योंकि ये 2 बॉल तो सबने देखी, सबको भी बताया, लेकिन इसके बाद यानी कि मैच के बाद रोहित शर्मा सामने आए। रोहित ने पहले बल्लेबाजों की तारीफ की, गेंदबाजों की भी तारीफ की, लेकिन इसके बाद रोहित शर्मा विराट कोहली पर बोले, खुलकर बोले। रोहित ने टीम की फील्डिंग की खूब तारीफ की और नाम लेकर कहा कि विराट ने मैदान में जो एफर्ट दिखाया वही मैच का अंतर रहा। रोहित ने कहा कि पहले एथलेटिक थ्रो में टीम डेविड को रन आउट किया और फिर पैट कमिंस का मुश्किल, बेहद मुश्किल कैच पकड़ा और हम वहीं मैच में वापस आए। रोहित ने कहा कि विराट पहले भी ऐसा करता रहा है, लेकिन विराट का ऐसा यहां पर करना टीम के लिए खासा फायदेमंद है। रोहित ने कहा कि आप हर वक्त बैटिंग या फिर बॉलिंग से ही योगदान दो, ये जरूरी नहीं है, आप किसी भी मोर्चे पर टीम की मदद कर सकते हैं, जैसा कि विराट ने किया। उसने एक रन आउट किया और एक शानदार कैच भी लिया और ये दोनों ही टर्निंग पॉइंट रहे और इन दोनों ने भारत को मैच जिता दिया। यानी कि रोहित शर्मा ने साफ कहा कि विराट कोहली मैच के हीरो हैं, विराट की वजह से ही भारत यहां पर मैच जीता। आगे देखिए, रोहित से पूछा गया कि विराट के लगातार कंसिस्टेंट नहीं रहने पर सवाल उठाए जाते हैं, आलोचक उन पर सवाल उठाते हैं और यहाँ पर इशारा साफ साफ गौतम गंभीर की तरफ था, जो कि चाहते हैं कि विराट कोहली हर मैच में सैकड़ा ही बनाए। तो रोहित ने यहाँ पर भी हैरान कर दिया। रोहित शर्मा ने कहा कि विराट भी इंसान है और हर मैच में कोई रन नहीं बना सकता, लेकिन वो मैच का असली हीरो है और ये मैच तो हम विराट की वजह से ही जीते और ये सबने देखा है। अब जिसको जो समझना है वो समझे, लेकिन हम जानते हैं कि विराट टीम के लिए क्या है, विराट का खेल क्या है। यानी कि रोहित शर्मा ने सीधे सीधे गौतम गंभीर को जवाब दे दिया कि विराट कोहली टीम के लिए कितने जरूरी हैं। भले ही गंभीर विराट को कितना ही भला बुरा कहें या फिर सवाल उठाएं, लेकिन टीम के लिए विराट कोहली बहुत ऊपर हैं, क्योंकि इस मैच में भी गौतम गंभीर ने सवाल उठाए थे विराट की बल्लेबाजी पर और कहा था कि सिर्फ रिकॉर्ड्स बनाने से या रिकॉर्ड्स होने से कुछ नहीं होता, हर मैच में आपको रन बनाने होंगे। तो कुल मिलाकर रोहित शर्मा ने दिखा दिया, बता दिया कि विराट टीम के लिए कितने जरूरी है और गंभीर जैसे जबरदस्ती आलोचना करने वालों की बात भी कितनी गैर जरूरी है, ये भी दिखा दिया। तो आपका क्या मानना है, क्या गंभीर
ठीक कह रहे हैं या फिर रोहित शर्मा ठीक कह रहे हैं, आपका क्या मानना है? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वार्म अप मैच खेला गया, जिसमें टॉस हारकर भारत को पहले बल्लेबाजी मिली। बैटिंग काफी अच्छी रही और राहुल ने शानदार ताबड़तोड़ शुरुआत की। पावर प्ले में ही भारत का स्कोर 70 के पार चला गया। केएल राहुल के बाद विराट कोहली, सूर्या ने भी अच्छी पारी खेली और वहीं डीके ने भी दमदार शॉट लगाए। अब कंगारुओं की बैटिंग आई तो वैसा ही जवाब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी मिला, क्योंकि बल्लेबाजी की मुफीद भी थी। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच ने बेहतरीन अर्धशतक लगाया और अपनी टीम को जीत की तरफ आगे लेकर आए। मैच को आखिर तक पहुंचाया और आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 11 रन की जरूरत थी और 6 विकेट ही यहां पर गिरे थे, यानी कि मैच पूरी तरह से कंगारुओं के पक्ष में था। अब यहां पर बॉलिंग के विकल्प के तौर पर भुवनेश्वर कुमार थे, अर्शदीप सिंह थे, यहां तक कि अक्षर, अश्विन और चहल भी थे, लेकिन रोहित शर्मा ने हैरान कर दिया। जी हां, रोहित ने हैरान करते हुए मोहम्मद शमी को बॉलिंग थमा दी, जिनसे इस पूरे मैच में एक भी ओवर रोहित ने बॉलिंग नहीं कराई थी और करीब एक साल बाद शमी इंटरनेशनल T20 में वापस आए थे। अब शमी को 11 रन बचाने थे और देश के साथ साथ अपनी भी इज्जत बचानी थी और बनानी थी, और शमी ने आते ही धमाल मचा दिया। पहली दो बॉल पर शमी ने सिर्फ 2-2 ही रन दिए और 4 बॉल में अब भी 7 रन की जरूरत थी, लेकिन तीसरी बॉल से असली चमत्कार शुरू हो गया। तीसरी बॉल पर सामने पैट कमिंस थे और कमिंस ने जोरदार शॉट मारा। बाउंड्री पर विराट कोहली खड़े थे और विराट ने एक हाथ से बेहतरीन अद्भुत कैच पकड़ लिया और कमिंस आउट हो गए। जी हां, ये फाइनल ओवर का पहला झटका था जो कि शमी ने दिया और मैच में भारत को आगे पहुंचा दिया। अब अगली बॉल पर एस्टन एगर सामने थे, जो कि शॉट मार नहीं पाए, बॉल विकेट कीपर के पास चली गई, लेकिन रन के लिए दौड़ पड़े। अब विकेट कीपर दिनेश कार्तिक ने बॉल को शमी की तरफ फेंक दिया और शमी ने भी बेहतरीन शानदार थ्रो पर एस्टन एगर को आउट कर दिया, रन आउट हो गया। हालांकि ये रन आउट था, लेकिन ये विकेट भी शमी का ही था। अब आगे देखिए, असली रोमांच और बाकी था। ओवर की 5वीं बॉल पर जोश इंग्लिश सामने थे और शमी ने यॉर्कर लेंथ की बॉल पर इंग्लिश को बोल्ड कर दिया। जी हां, कंगारुओं का नवा विकेट गिर गया और लगातार तीसरी बॉल पर ये तीसरा विकेट था। कंगारुओं को जीत के लिए अभी 7 रन बनाने थे, लेकिन वो बन नहीं पा रहे थे, जो कि लगातार कंगारुओं के विकेट गिरते जा रहे थे। आखिरी बॉल पर यहां पर छक्का भी होता तो भी ऑस्ट्रेलिया मैच अब नहीं जीतने वाली थी, क्योंकि आखिरी बॉल में 7 रन बनाने थे और आखिरी बॉल पर छक्का भी मैच को सिर्फ टाई करवाता। लेकिन यहां पर तो शमी ने बड़ा चमत्कार कर दिया। केन रिचर्डसन शमी के सामने थे और शमी ने एक बार फिर से यॉर्कर लेंथ की बॉल डाली और रिचर्डसन को ढेर कर दिया, बोल्ड कर दिया। लगातार आखिरी 4 बॉल पर 4 विकेट निकाल दिए और कंगारुओं को रोमांचक मैच में हरा दिया, जबकि ओवर से पहले ऐसा लग रहा था कि भारत हार जाएगा, क्योंकि 11 रन बनाना बेहद ही आसान था और पैट कमिंस जैसा बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद था। मगर शमी ने चमत्कार किया, भारत को मैच जिता दिया और शमी ने एक साल बाद इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में ये कारनामा किया और इस ओवर में सिर्फ 4 रन दिए, 1 रन आउट समेत 4 विकेट ले डाले, जो कि कमाल था, धमाल था। हालत ये थी कि ऑस्ट्रेलिया के आखिरी 6 विकेट सिर्फ 9 रन पर गिर गए और यही जीत का सूत्र भी बन गया। और शमी ने जो गदर काटा उसकी दुनिया तारीफ कर रही है और शमी के रूप में भारत को एक जबरदस्त डेथ बॉलर भी यहां पर मिल गया। तो भारत ने शानदार अंदाज में वार्म अप मैच जीत लिया, कंगारुओं को कुचल दिया और पूरी दुनिया में संदेश दे दिया है कि वो क्या करने वाले हैं। तो आपका भारत की इस जीत पर, शमी के इस प्रदर्शन पर क्या कहना है, कमेंट करके आप जरूर बताएं। वीडियो को अभी शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।